अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का एमके न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास ख़बरों पर। सितंबर 4 तारीख को कत्ल हुआ एक जाड़ो जावेद बोल के फलकनामा का रोडी शीटर है, उसको खालिद होटल अंसारी रोड पे उसको मार दिया गया। उसी केस के वजह से आज 5 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग जूनियल से छोटे उम्र के हैं, तो इसलिए उसको यहाँ प्रेस मीट में नहीं पेश कर रहे। और इसका वजह है कि उसी दिन शाम को जाड़ो जावेद ने इन लोगों को रोक के उसको धमकी दिया, इसी के वास्ते उसके मन में रखते हुए उसी रात को ये लोग सब एक साथ गए और एक खालिद होटल को जो जाड़ो जावेद रोज रात को आता है वहीं पे उसको मार दिया, वहीं वो गिर गया और उसको हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए, वहीं उनको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया। और इसी केस में और कुछ लोग को भी अभी अरेस्ट करना बाकी है, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। मारने की वजह उसी दिन शाम को जाड़ो जावेद ने उनको रोक के उनको धमकी दिया, उस पर झगड़ा हुआ उस शाम को 3-4 बजे टाइम पे, उसके मन में रखते हुए और रात को सब लोग इकट्ठे हुए जमील के, उसने सब लोग को इकट्ठा किया और वहाँ जाके उसको मार दिया गया। कितने लोग हैं सर? अभी तक 7 लोग हैं जिसपे हमारे इन्वेस्टिगेशन में 5 लोग अरेस्ट हो गए और कुछ भी हो सकते हैं और कोई इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें जो कंस्पिरेसी में उनसे प्लानिंग में वो पूरा अभी जो 2 लोग बाकी है उनको पकड़ने के बाद पूरा फाइनल हो जाएगा। नहीं, वो लोग रास्ते में जा रहे हैं और वो रोक के उसको रोका और उसको झगड़ा हुआ और झगड़ा में वो धमकी दिया। वो जाड़ो जाए जो है उसका बहुत केस ऐसा है उनके ऊपर रोड़ी शीट गए और उसी रात ये लोग आके मार दिया। क्योंकि वो पॉइंट जो है वो 3 रोड वो मिलने का पॉइंट है और वही पॉइंट है जो है वो 3 पुलिस स्टेशन का, एक साइड फलकनामा पड़ता रोड का, एक साइड मलर पल पड़ता और एक साइड काला पत्थर का। तो ये गिरना भी वो जो गिरा है वो पॉइंट भी ये 3 पुलिस स्टेशन का मीटिंग पॉइंट है, सही वही डिमार्केश बॉर्डर है 3 पुलिस स्टेशन का। नहीं, इसने जो शाम को झगड़ा हुआ उसमें जाड़ो जावेद ने उस जमील को फादर को बोला कि तुम्हारा बाप चोर है, उसको क्या बोलते वो चोर जाफर बोलते करके उसको फादर को गाली दिया, जमील का फादर को जो मर गया इसको ये लोग मारे, उसने धमकी उसको ऐसा बोला, उसको फादर को गाली दिया। मलर पल्ली लिमिट्स में हुआ, उनसे भी जॉइंट करके पहले प्लान करके करने की आइडिया है, पहले उनसे जल्दी से जल्दी उनसे मीटिंग करेंगे। और आप लोग कुछ पिकेट देखिए, ये बॉडीली ऑफेंसेस जो है वो पिकेट लगाने से बेहतर है पेट्रोलिंग बढ़ाना। उस टाइम पे पिकेट है तो एक एरिया स्टैटिक हो जाए, उसी एरिया में हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो मूवमेंट होता है तभी उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओपी के इतना ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा ही पुलिस स्टेशन का एरिया जो है वो छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है। ओपी जब लगाते जब एरिया बहुत बड़ा है और पुलिस स्टेशन बहुत दूर है उस टाइम पे ओपी लगाते हैं, तो वही पास में है सारे पुलिस स्टेशन, काला पत्थर और कामाटीपुरा ये सब वो जब ये स्पॉट से बहुत दूर भी नहीं है सर।
उस टाइम पे हमारी एज पर नव इन्वेस्टिगेशन में 7 लोग और प्लानिंग में 1-2 लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी तक पूरा डिटेल्स नहीं आया और इस पर पुलिस कस्टडी लेके और 2 लोग बाकी है। अब तक जो इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में आया उसमें 5 लोग को अरेस्ट किए, 3 लोग है, 2 लोग जुवेनाइल से इसलिए नहीं लगाए और 2 लोग है इसमें और भी हो सकते हैं। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी चालू है।